नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि हर एग्जाम में उससे एक या दो क्वेश्चन रहता है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाभ एवं हानि में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रयमूल किसको कहते हैं, विक्रयमूल किसको कहते हैं, लाभ कैसे होगा और हानि कैसे होगा। तो दोस्तों जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को क्रयमूल बोलते हैं, और जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को विक्रयमूल बोलते हैं। अब आप ही बताइए कि आपको लाभ कैसे होगा और हानि कैसे होगा। मान के चलते हैं कि हम 100 रुपया में अगर कोई वस्तु खरीदे हैं और उसको 120 रुपया में बेचेंगे तो क्रयमूल से ज्यादा अगर विक्रयमूल होगा तो आपको लाभ होगा। जैसे 100 रुपया का वस्तु को हम लोग 120 रुपया में बेच रहे हैं तो हम कहेंगे कि 20 रुपया का लाभ हुआ है, और उसी को अगर उल्टा कर देखते हैं कि 100 रुपया के वस्तु को अगर हम 80 रुपया में बेचेंगे तो हम लोग को 20% का हानि होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्रयमूल, क्रयमूल जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जा, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस मूल्य को क्रयमूल बोलते हैं। विक्रयमूल का डिफिनेशन देख लीजिए कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जा, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को बेचते हैं तो उस मूल्य को विक्रयमूल बोलते हैं। इसमें एक चीज और आता है, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। ऊपरी व्यय कि जिसे हम कोई वस्तु अपना घर से बहुत दूर जाकर, मान लेते हैं कि दूर जाकर खरीदे, तो वहां तो वस्तु को खरीदने में जो पैसा लगेगा तो उसको घर तक लाने में उस पर जो खर्च होगा, जैसे गाड़ी का खर्च होगा, उसको लेबर का खर्च होगा या उसके रख रखाव का खर्च होगा, तो ये सब जो खर्चा है ऊपरी व्यय में जुटता है। तो ऊपरी व्यय का डिफिनेशन देख लीजिए, खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने में तथा उसके रख रखाव में किए गए खर्च को ऊपरी व्यय कहते हैं। ऊपरी व्यय समझ गए आप। ऊपरी व्यय क्या होता है कि जो वस्तु हम खरीदे तो वो तो जिसे दुकानदार हमको एक निश्चित मूल्य पर दिया होगा, लेकिन उसको लाने में, रख रखाव करने में जो भी खर्च होता है वो उसको हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं। अब आप ये सबका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए और देख लिया कि क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, ऊपरी व्यय क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लाभ और हानि कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो लाभ क्रयमूल से ज्यादा अगर विक्रयमूल रहेगा तो लाभ होगा, और क्रयमूल से कम अगर विक्रयमूल रहेगा तो हानि होगा। जैसे कि कोई वस्तु हम लोग खरीदे जिसका क्रयमूल कितना है, 100 रुपया, अगर इसका विक्रय मूल 150 रुपया है तो इसका लाभ कितना होगा। लाभ तो आप बोलिएगा कितना, 50 रुपया। अच्छा, ये जो लाभ 50 रुपया है कैसे आया है, आप विक्रय मूल में से क्रयमूल को घटाएंगे, घटाए होंगे तब ना ये 50 रुपया आया। तो आप लाभ बराबर लिख सकते हैं, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, ये लाभ का डिफिनेशन हो गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु 100 रुपया का ही है और उसको हम लोग 70 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि कितना होगा, 30 रुपया का। अच्छा, ये 30 रुपया कैसे आया होगा, 30 रुपया आप इसमें से इसको घटाए होंगे तब ना, तो आप हानि बराबर लिख सकते हैं, हानि बराबर
क्रैमुल माइनस विक्रैमुल, ये हो गया लाभ बराबर विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, और ये हो गया हानि बराबर क्रैमुल माइनस विक्रैमुल। ये सब याद करने का नहीं है, हम बताएंगे लाभ हानि बनाने का एक बहुत ही अच्छे मेथड बताएंगे आपको। आपका कैसा भी क्वेश्चन हो लाभ हानि का, आप उसको 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। अब इसमें एक आता है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत कोई भी चीज, प्रतिशत उसी चीज पर निकलता है जिसका मान क्या हो, कांस्टेंट हो। वेरिएबल चीज का प्रतिशत कभी नहीं निकलता। तो अब बताइए कि इसमें कांस्टेंट काची हो सकता है, क्रैमुल हो सकता है, विक्रैमुल हो सकता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है। अगर आप कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो एक बार वस्तु का अगर खरीद लिए तो उसको खरीदने में आप उसको आप क्या कीजिएगा, बेचिएगा। बेचने के लिए मतलब उसको ज्यादा पर भी बेच सकते हैं और कम पर भी बेच सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो विक्रैमुल वेरिएबल हो जाएगा। क्रैमुल आपका 100 रुपया है, वो तो फिक्स वैल्यू है, लेकिन अगर उसको बेचना है तो वो आपके मन पर है। कि जैसे आप 10 वस्तु खरीद लिया 500 रुपया, तो 10 वस्तु का क्रैमुल तो आपके पास 500 रुपया है, लेकिन आपको उसको बेचना है तो आप कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचे, कोई वस्तु को 200 रुपये में बेचे, ऐसे करके आप वस्तु को आगे बढ़ा के आप घटा के बेच सकते हैं। तो इसमें आपको विक्रयमूल तो अलग अलग होगा, तो लाभ भी अलग होंगे, तो प्रतिशत लाभ। तो जब भी प्रतिशत लाभ निकलेगा तो उसमें क्रयमूल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग यहां से अगर प्रतिशत लाभ बराबर लिखना रहेगा, इसे प्रतिशत लाभ बराबर अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखिएगा, लाभ गुना 100 और बटा क्रैमुल। काहे कि क्रैमुल कांस्टेंट रहेगा, जब कांस्टेंट रहेगा वही वैल्यू नीचे रहेगा, प्रतिशत हानि बराबर लिखना रहेगा। हानि गुना 100 बटा क्रैमुल। देखिए लाभ हानि का जितना भी थ्योरी था वो हम बता दिए, ये बेसिक थ्योरी था जो आप 7-8 में आपको पढ़ने के लिए ये सब मिला था। दोस्तों हम बोलेंगे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इससे भी अलग सीखना होगा। ये बेसिक था इसलिए हम आपको बताएं कि जिसे आपको कहें थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो इससे समझने में आपको आसान होगा। लेकिन अब जो हम बताएंगे आपको वो डायरेक्ट आप बनाइएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैसा भी लाभ हानि का क्वेश्चन है आप आसानी से बनाइएगा। तो हम क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। आप एक चीज बात ध्यान रखिए कि हम शुरू से ही बताते हैं, रेशियो का पूरा वीडियो हम बनाए हैं, रेशियो का पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैप्टर खत्म किए हैं। उसमें हम एक ही बात बोले हैं कि जो किताब का है उसको ऊपर लिखना है और हम लोग बोलेंगे जिसको नीचे, और जो निकालना रहेगा उसको बगल में गुना करेंगे। तो दोस्तों इन लाभ हानि के चैप्टर में आप मान के चलिए कि क्रैमुल आपको हमेशा कितना प्राप्त होगा, 100। किताब में क्रैमुल कितनो दे दो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा मान के चलिए कि क्रैमुल को कितना लेना है, 100। आप उसी पर आप आगे बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी, क्रैमुल कितना दिया हुआ है, 700 रुपया, और 840 रुपया में बेच दिया, विक्रैमुल कितना दिया हुआ है, 840 रुपया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ था, अभी प्रतिशत लाभ बराबर तो बताए हैं आपको। तो यहां देखिए क्रैमुल 700 है, विक्रैमुल 840 है, तो यहां लाभ निकाल लीजिएगा। लाभ बराबर काची होता है विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, तो 840 में से 700 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 140। 840 में से 700 को घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, 140। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है
लाभ गुण है तो लाभ कितना 140 गुण है 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था 700। तो ये देखिए 20 से 20 काट जाएगा, 7 दुना 14 ये 20, माने जो प्रतिशत लाभ उसको होगा कितना प्रतिशत होगा 20%, यही आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, अब इससे भी क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी। किताब में कहा कि एक व्यक्ति एक घड़ी का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 500 रुपया, और 30% की हानि पर बेच दिया। जो प्रतिशत हानि दिया हुआ है 30, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? हम काची बोले, अभी हम आपको बोले कि बस आप मान के चलिए कि क्रय मूल्य आपको कितना लेना है हमेशा 100, और जो किताब का है उसको ऊपर लिखना है, हम लोग बोलेंगे 100 नीचे। अब देखिए कहा एक घड़ी कितना में खरीदा था, किताब कहा कितना में 500, किताब कहा 500 तो 500 ऊपर लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कितना में खरीदे हैं 100 रुपया में, और उसको कितना प्रतिशत हानि पर बेचा है, कितना प्रतिशत हानि पर बेचा है 30%। तो 30% की हानि आपको क्या होगा, जब आप 100 रुपया में अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको 30 रुपया का हानि कब होगा, आप उसको 70 रुपया में बेचिएगा तब, तब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य तो पूछ, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, तो 30% का हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। तो ये देखिए 20 से 20 हो जाएगा, 7×5 35, माने 5 × अगर 70 कीजिएगा तो 7×5 350 रुपया, जो घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 350 रुपया, यही आंसर हो गया। देखिए ये अगर नहीं समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, किताब का है कितना में 750 रुपया में खरीदी गई। देखिए अभी हम लिख रहे हैं, आसान होगा समझने में, एक दो क्वेश्चन लिखकर बताते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया होगा 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो जो लाभ प्रतिशत है कितना है 16, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, तो हम क्या बोले कि जो किताब बोले उसको ऊपर लिखना है, और जो दिया हुआ जो हम लोग मान कर चलते हैं कितना क्रय मूल्य हमेशा 100, क्रय मूल्य कितना दिया है किताब 750, हम लोग बोलेंगे तो 100, अब बोला कि यदि उसको 16% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो आप कोई भी वस्तु 100 रुपया का है आपके पास, कोई भी वस्तु जिसे 100 रुपया में खरीदे हैं उसको आप 16% लाभ पर बेचना है, जिसे आपको बेचना है कि जिसे आपको 16 रुपया लाभ कमाना, तो उस वस्तु को कितना में बेचिएगा कि 16 रुपया का लाभ होगा, 100 रुपया के वस्तु को कितना में बेचिएगा कि 16 रुपया का लाभ हो, तो उसको 116 रुपया में, तो आप कितना से गुना कर दीजिए 116, 116 से गुना कीजिएगा, देखिए 0 से 0 हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा 15×5 75 और 2×5 10, आइए 2 से काट जाएगा 5×10 और 8×16, तो 58×15 कर दीजिए, 58×15 8×5 40 के 25×25 4×29 870 रुपया में अगर बेचता है तो उसको कितना का लाभ होता 16% का। और भी क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई, किताब कहा है कि कितना में विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 44 रुपया, तो उस पर 10% का लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ है 10% का लाभ हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो आप बताइए हम क्या बोले कि जो किताब का है उसको ऊपर लिखना है, तो किताब बोला कितना में बेचा गया है 44 रुपया में, आप कितना में बेचिएगा कि आपको 10 रुपया का लाभ, 100 रुपया का जो वस्तु है उसको कितना में बेचेगा 110 में,
तो किताब का कि 44 में हम लोग बोलेंगे 110 में अब क्रयमूल निकाल रहे हैं, मैंने आपका क्रयमूल कितना माने थे 100, तो कितना से गुना कीजिएगा 100 से, देखिए 10 से 10 हो जाएगा 11 44 हो जाएगा, 10 तो 40 रुपया हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। किताब कहा कि एक वस्तु को विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 36 रुपया और 10% की हानि होती है, सॉरी 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो फिर वही बात है, किताब कहा कि विक्रय मूल्य कितना 36 रुपया, आप कितना में बेचिएगा कि आपको 20 रुपया की हानि हो, तो पहले वस्तु आप माने हैं कितना का 100 का, तो 100 रुपया का वस्तु को कितना में बेचिएगा कि आपको 20 रुपया की हानि हो, 80 रुपया, तो आप किताब में बोला कि 36 रुपया में बेचा गया, हम लोग बोले कि 80 रुपया में निकालना उसको गुना, तो क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना 100 से, तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 5 × 4 × 9 45 रुपया में अगर वस्तु को बेचेगा तो उसको 20% की, 45 रुपया का जो वस्तु है उसको 36 रुपया में बेचा है तब 20% की हानि हुआ। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? पहले बोल दिया है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया, फिर कह रहा है कि यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता, किताब कहा कि यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, किताब में बोला कि 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, हम लोग कितना में बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा, तो किताब बोला कि 600 रुपया में, हम लोग बोलेंगे 120 रुपया में, और पूछा है इसमें होता तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप कितना से गुना कीजिएगा 100 से, ये तो देखिए 12 × 5 = 60, तो रेडियो का जो लागत मूल्य है कितना हो जाएगा 500 रुपया, लेकिन यदि पूछता कि रेडियो का पहला विक्रय मूल्य कितना है, मैंने पहले कितना में बेचा गया था, तो पहले 15% लाभ पर बेचा गया था, तो कितना से गुना करते 115 से, तब ना होता कि 15% लाभ पर कितना बेचा गया। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, बोला कि एक इलेक्ट्रिक आयरन पहला जो विक्रय मूल्य दिया है कितना पर 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, फिर बोला कि यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, किताब बोला कितना में 600 में, हम लोग बोलेंगे तो 120 में, तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, मतलब पहले कितना, तो पहला कितना परसेंट पर बेचा गया था, पहले 15% पे, पहले जो बेचा गया था कितना 15% पे, तो आपको पहला विक्रय मूल्य पूछ रहा था कितना से गुना कीजिएगा 115 से, लेकिन अगर क्रय मूल्य पूछता तो कितना से 100 से, इसको काट दीजिए, ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ये 15 × 25 = 5 × 5 = 5 575 रुपया, यही आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों लाभ हानि का कुछ क्वेश्चन आज हम आपको बताए हैं, और भी जो कुछ क्वेश्चन रह गया है उसको हम पार्ट टू में आपको बताएंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए।